हेलो दोस्तों, आज हम आए लखनऊ की सबसे मशहूर सबसे फेमस गली जिसका नाम है 1090 और जिसे प्यार से चटोरी गली भी कहते हैं। यहाँ खाने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आई एम श्योर आपका मन नहीं भरेगा। और हाँ, यहाँ पर गोलगप्पे वालों की मौज है क्योंकि यहाँ पर लगी लड़कियों की फौज है और साथ में कुछ लड़के भी हैं। हाँ, चलते चलो सोया चाप, पनीर चाप, पनीर टिक्का, क्या क्या चीज़ें हैं। दिल्ली का द बीटल शॉप मीनिंग पान सुपारी। वैसे अभी तो शाम है, हल्की होगी जब रात, जनता के कदमों की होगी यहाँ पर बरसात। भीड़ भाड़ है भारी, क्या होगा। स्पेशल मिलेगी गर्मा गर्म तंदूरी चाय और ठंडे में मलाई मक्खन। वैसे यहाँ पर खस्ते हैं करारे, ओहो चलते जाओ, भीड़ बढ़ रही है धीरे। वैसे यहाँ मिलेंगे आपको बड़े बड़े ढक्कन जो छोटी छोटी बातों पर खुल जाते हैं। आई होप कि कोई मुझसे न कहते क्यों बना रहे हो वीडियो। वैसे आप लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, बैठकर स्कूटी पर या बाइक पर या बुलेट पर सोना बाबू को घुमाना चाहिए। और जिनका कोई नहीं है वो भी यहाँ आ सकते हैं, देख कर हसीन चेहरों को दिल अपना लुभा सकते हैं। यहाँ पर है डोसा वाला जिसका नाम है डोसा किंग, 80 वराइटीज डोसे के। इन गलियों में लोगों की अपनी लव स्टोरी चलती रहती है और साथ में चलते रहते हैं सभी लोग, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आ रहा है वो डोसा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक यहाँ पर मिलेगा हमें डोसा कहाँ है। अच्छा, तंदूरी चाय का टेस्ट। और अब कौन आ गया है, ये आ गए हैं आइसक्रीम सिंपली साउथ, सॉरी सिंपली साउथ डोसा। यही है वो डोसा जिसकी मैं बात कर रहा था, उसको चार लोग तो खा ही सकते हैं। यहाँ पे क्या आग लगा रखा है, वो अंदर रखा है कुछ, और वो फायर बर्निंग। चलने दीजिए, जाने दीजिए, छोड़िए इसको। हम आ गए हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे फेमस जायकाए चटोरी गली बाटी चोखा। और ये लड़का देख कर हमें बार बार हाय कर रहा है, हेलो जी कैसे हो, सब ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम, ये पान तम्बाकू क्या बताएं, वही मैंने अभी बात की कि सब कुछ प्रबंध है लेकिन शराब बंद है। और मोमोज की कई वैरायटीज़ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, सिंपल मोमोज, पनीर मोमोज, वेज फ्राइड मोमोज, सूप ऑफ तंदूरी मोमोज। खाइए और खिलाइए मोमोज तंदूरी, दोस्ती हो या प्यार कम हो जाएगी दूरी। जिन लोगों को मैगी की लत है, मैगी स्टॉल भी हैं, आइए और मैगी खाइए। मैगी खाने के बाद शिकंजी पीजिए, शिकंजी भी डिफरेंट टेस्ट के हैं। फिलहाल आपके जेब में रुपये होने से सब कुछ नहीं होगा, पेट में भूख होनी चाहिए और जुबान होनी चाहिए चटोरी, तभी चटोरी गली में आने का कोई फ़ायदा है। मेरा तो फेवरेट पाव भाजी, पर मैंने खाया डोसा, पहले डोसा बेस्ट था। लास्ट में एक स्टॉल है, दिल खुश मैगी दिल खुश चाय, जो पिए एक बार और बार बार आए वो लास्ट में मिलेगा, क्योंकि मैं एक बार यहाँ पर घूम चुका हूँ इसलिए दोबारा एक बार फिर से घूम रहा था। ये क्या बना रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, यहाँ पर ये गोलगप्पे वाला तो बहुत फेमस है, पता नहीं कितने रुपए का बिजनेस करता है डेली, इतने सारे मटके लगा रखे हैं इसने। और यहाँ पर आ गया अपना दिल खुश चाय। यहाँ पर एक प्यारी बच्ची मिली जो कि बबल फ्लाई बेच रही थी, बहुत प्यारी बच्ची है। ऐसे जब भी सड़क पर बच्चों को काम करते हुए देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मैं इन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी तो कुछ नहीं कर सकता, पर कोशिश करूँगा कि इस काबिल बनूँ कि सड़क पर ऐसे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना होने दूँ, कुछ अच्छा करूँ। वेल थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या पसंद आया। और हाँ, बर्थडे सेलिब्रेशन हो या किसी फ्रेंड को पार्टी देनी हो तो आप यहाँ पर आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं।